हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं न्यूटन्स क्रैडल के बारे में। देखिए न्यूटन्स क्रैडल क्या है ये देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास अलग अलग बॉल्स हैं। अगर मान लीजिए मैं एक बॉल को यहां से उठाकर इसके ऊपर स्ट्राइक करता हूं तो क्या होगा? तो दिमाग में आपके क्या चल रहा है? अभी ये चारों बॉल हिल जाएंगे, यही दिमाग में चलता है हमारे। तो देखते हैं हम ये क्या करता है। तो ये देखें ये क्या हुआ, ये मोशन देखो एक बार इस मोशन को ध्यान से देखो। ओके, अब देखो ये मोशन किस तरह से हो रहा है। अगर मैं दो बॉल्स को उठाता हूं तो ये देखो दो ही बॉल्स उधर जा रही है, देखो। ठीक है, दोबारा दिखाता हूं आपको इसी का। मैं इसको नीचे रखता हूं, अब देखिए अब दो बॉल्स को उठाऊंगा और इसको रोकता हूं, पहले जीरो वेलोसिटी करते हैं इसकी। ओके, अब इसको मूव करता हूं तो ये देखिए दो बॉल्स मूव हो रही है। और अगर तीन बॉल्स को मूव करूं तो तीन बॉल को मूव करते हुए मैं जब देखता हूं इसको तो ये देखेंगे हम, ये देखिए तीन बॉल इधर वाली मूव होती है। ये हो क्या रहा है? ये होता है एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम हम समझते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अगर इसका मास हमें पता ही, मान लीजिए मैं इसको 1 किलोग्राम बोल देता हूं और वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकंड बोल देता हूं, ऐसी कुछ भी मान लेते हैं। अगर ये मोमेंटम कंजर्व है, जितना मोमेंटम हम दे रहे हैं इसको आगे भी उतना मोमेंटम रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स लगाएं हम। मतलब इसको अगर मैं छोड़ूं यहां से एक सर्टेन वेलोसिटी से, मान लो छोड़ता हूं, तो ये अगर छोड़ता हूं यहां से तो मास इनटू वेलोसिटी जितनी इसकी है इधर भी उतनी होनी चाहिए, वेलोसिटी और मास मल्टीप्लिकेशन उसकी। अगर मास सेम है दोनों का, मास सेम है दोनों का, तो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि बीच वाले रुक जाते हैं और ये अकेला मूव करता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना है। तो इसको देखते हैं हम, ये देखो तो ये किस तरह से, ये मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो मास अगर सेम है वेलोसिटी भी सेम है दोनों की। अगर मैं ज्यादा मास लेता हूं, दो मास लेता हूं, ठीक है, डबल कर दिया मास, तो डबल मास उधर भी मूव करेगा, इसलिए ये इस तरह से मूव होते हैं। ये देखो अगर मैं चार को करता हूं, देखो आप चीज को देखते जाना ध्यान से, चार को अगर मूव करता हूं तो मेरे पास इसको ना स्लो मोशन में करके दिखाने वाला है, ये चीज अच्छी है, आपको समझ आएगी। ये देखते हैं, ये देखिए ये इधर जाता है, चार इधर जाता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।